मेहता का उल्टा चश्मा। टपू दिक्कत, एक काम करते हैं, ये टेबल है ना उसको यहाँ ऐसे साइड में रख देते हैं, और ये सब चार है ना उसको ऐसे लाइन में लगा देते हैं। ओके चलो। किस बात की तैयारी चल रही है? वो बापूजी, हांगकांग डिज्नीलैंड जाने की मीटिंग हमारे घर पर रखी है, तो सब लोगों के बैठने की व्यवस्था कर रहे हैं। वाह वाह, टप्पू, टप्पू का बापूजी। अरे टप्पू मेरा दिखा, वो वाह बेटा वाह, क्या किस्मत पाई है तूने बापूजी। डिज्नीलैंड घूमने जाने का मौका, वो भी विदेश में, वो भी फ्री। हाँ, और वो भी सिर्फ उसके अकेले के लिए नहीं, हमारे लिए भी। वाह वाह, मजा आ गया बेटा, मजा आ गया। ओ, मेरा लाडला कितना भाग्यशाली है। अरे मैं तो कहता हूँ तेरा लाडला सिर्फ तेरा लाडला नहीं है, विधाता जी का भी लाडला है। तभी तो विधाता जी ने इतना अच्छा लेख लिखा है। मजा आएगा। अरे मैं तो कहता हूँ सिर्फ टपू ही नहीं, पूरी टपू सेना विधाता की लाडली है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा बापू जी, मजा आएगा। हम चारों ऐसे घूमने जाएंगे, छोटे से वेकेशन हो जाएगा। दया तुझे कोई रसोई बनाने का टेंशन नहीं, कोई घर की साफ सफाई का टेंशन नहीं, मुझे भी दुकान का कोई टेंशन नहीं है। हम चारों घूमेंगे, मजा करेंगे, मस्ती करेंगे। घूमेंगे बराबर है जेठिया, लेकिन चारों नहीं, तुम तीनों। तीनों मतलब दादाजी? अरे बेटा, हर बच्चे के साथ परिवार के सिर्फ दो ही जन जा सकते हैं, तो तेरे साथ दो जन हो गए ना, तेरे पापा और तेरी मम्मी। नहीं नहीं नहीं, एक काम करते हैं, टप्पू के साथ आप और बापूजी चले जाइए। अरे ऐसा थोड़ी होता है दया, बापूजी कह रहे हैं तुम दोनों चले जाओ, तू कह रही है आप और बापूजी चले जाइए, मैं कहूँगा बापूजी आप और दया तुम चले जाओ, फिर टप्पू कहेगा आप तीनों चले जाओ। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, जाएंगे तो हम चारों साथ में जाएंगे बस। अरे भाई जेठिया, लेकिन टिकट तो तीन ही है ना। तो क्या हुआ बापूजी, आपकी एक टिकट खरीद लेंगे ना, तीन टिकट तो हमें फ्री मिल ही रही है। हाँ दादाजी। अरे बेटा टप्पू, अरे डिज्नीलैंड बच्चों के लिए है, मैं वहाँ आके क्या करूँगा। अरे दादाजी, वहाँ डिज्नीलैंड में छोटे बड़ों का कुछ नहीं होता, वहाँ हर उम्र के लोगों को मजा है, ऐसा है। अरे बराबर है। We want दादाजी, We want दादाजी, We want दादाजी, We want दादाजी। ठीक है, मैं आऊंगा। अय्यर, चलो हम लोग सबको जाके कह देते कि हम लोग भी डिज्नीलैंड आ रहे हैं। बबीता, क्या बच्चों के जैसा जिद कर रही हो तुम? क्यों ना करो जिद, मेरा बचपन से सपना था कि मैं डिज्नीलैंड जाऊं, और डिज्नीलैंड का नाम सुनते भी बच्ची बन जाती हूँ। अय्यर प्लीज 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 चलो ना। बबीता तुम्हें समझ नहीं रही हो, उनका पूरा ट्रिप स्पॉन्सर्ड है, आना जाना रहना सब, और हम जाएंगे तो इन सब का खर्चा हमको करना पड़ेगा। हाँ तो ठीक है ना, करते हैं खर्चा, बिग डील अबाउट इट। पर बबीता, प्लीज प्लीज अय्यर जल्दी चलो। अरे बबीता, कहाँ पे गिर पड़ेगा? सॉरी सॉरी अय्यर जी, प्लीज चलो ना डिज्नीलैंड चलते हैं। अरे अय्यर प्लीज, तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते। ठीक है बबीता, तुम्हारा इतना इच्छा है तो हम लोग हांगकांग डिज्नीलैंड जाएंगे। मेरी बात सुनो, एक मिनट सुनो दया, ध्यान दो मेरी तरफ, मीटिंग शुरू करते हैं। जेठालाल, ओ जेठालाल, मीटिंग चालू कर दी भाई, बैठ जाओ सबको। अच्छा अच्छा, सब सबको दे दे फटाफट, मीटिंग चालू कर। हां, जिसके लिए जमा हुए वो तो है, वो तो चलता है। हां सभी में हमें उनका हाथ खाली है भाई। अरे नहीं, एक प्लेट में डाल के दे। तो पूछा लेकिन इन्होंने कहा कि हमारे लिए एक प्लेट ही काफी है, बोला। हां हम दोनों एक प्लेट में से खाएंगे। अरे नहीं नहीं, अरे पर प्लेट है ना, बहुत मीटिंग शुरू करते हैं। हो गए सब, बैठ गए अभी। बोलो बोलो। हाँ तो सबसे पहले मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, पूरी टप्पू सेना को डिज्नी कॉन्टेस्ट जीतने के लिए हार्दिक बधाई देता हूँ। थैंक यू थैंक यू। हाँ, तो मैंने लिस्ट बना ली है, कुल मिला के 13 लोग है। हाँ, बराबर 13 लोग नहीं, 15 लोग। एक्चुअली मैंने और अय्यर ने भी डिसाइड किया कि हम लोग आप लोग के साथ हांगकांग आ रहे हैं। डिज्नीलैंड जाने का मेरा बचपन से सपना था।
वाह मजा आ गया। मैं कब से सोच रहा था हम लोग 13 लोग जा रहे हैं। ये 13 का आंकड़ा बहुत अशुभ है। क्या करे क्या करे, आपने आके मेरी सारी चिंता दूर कर दी। अभी हम लोग 15 लोग हो गए और 15 का आंकड़ा भी कितना मस्त है, बोलने में भी मजा आता है। 15 सगड़ांच्या साठी आणलेले आहे। एक मिनिट अय्यर, शायद तुम्हें मालूम नहीं पता है कि नहीं, लेकिन ये जो हम लोग डिज्नीलैंड जा रहे हैं ना, तो उसका पूरा टूर हमें डिज्नी ने स्पॉन्सर किया है। तो अगर आप दोनों भी आ रहे हैं तो आत्माराम पता है हमारा खर्चा हम ही देंगे। वाह वेलकम वेलकम। अरे भाई प्रमोशन हुआ है ना अय्यर भाई का, बहुत मालदार पार्टी है भाई। तो ठीक है, अभी अभी मीटिंग शुरू करते हैं। हाँ तो सबसे पहला मुद्दा ये है कि हम लोग डिज्नीलैंड कब जाएंगे। भिड़े अंकल मीटिंग के बाद ही निकल जाते हैं ना। अरे दिक्का, अरे ओके, रात को, मतलब रात को कैसे जा सकते भाई इतनी जल्दी, फॉरेन जाना है, फॉरेन थोड़ी जा सकते हैं ऐसे ही। तो फिर कल सुबह जाते हैं। हाँ बेटा इतना जल्दी नहीं जा सकते, देखो क्या है, तेरे पापा को अपना क्लिनिक का काम है वो अटोपना पड़ेगा, ये सोढ़ी अंकल को अपने गैरेज का काम लपेटना पड़ेगा, मुझे अपने दुकान का काम समेटना पड़ेगा, थोड़ा टाइम चाहिए ना बेटा उसके लिए, एकदम से ऐसे फटक से नहीं निकल सकते। ओ यारो, और फिर प्रोग्राम ऐसा करते हैं कि इसी हफ्ते चलते हैं। और पिडू तू डिज्नी वालों को फोन लगा के पूछ क्या हम इसी हफ्ते जा सकते हैं भाई। वो बराबर है, अभी तो पता चल ही जाएगा। हाँ हेलो जी, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े बोल रहा हूँ, गोकुलधाम सोसाइटी का एक मेंबर सेक्रेटरी। हाँ जी, मैंने ये जानने के लिए फोन किया था कि हम लोग इस हफ्ते में डिज्नीलैंड कब जा सकते हैं। इस हफ्ते में आप सिर्फ परसों ही जा सकते हैं, इसके बाद सीधा 2 महीने बाद जा सकते हैं। ओहो अच्छा अच्छा, आप जरा एक मिनट होल्ड कीजिए, मैं जरा पूछ लेता हूँ यहाँ पे। देखिए इनका कहना है कि इस हफ्ते में हम लोग परसों जा सकते हैं या तो फिर 2 महीने के बाद की डेट है, तो अभी कब जाना है? परसों परसों परसों। हाँ परसों ही बोल दो। अरे बबीता जी बेचारा बचपन से राह देख के बैठे डिज्नीलैंड जाने के लिए, और 2 महीने कैसे राह देख सकेंगे, नहीं बबीता जी? लेकिन बबीता परसों। हाँ तो ठीक है, जिसको नहीं जमता वो नहीं आएगा और क्या। नहीं 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 जड़ाला जमेगा क्यों नहीं, मैं आबिद का कुछ एडजस्टमेंट करेगा। परसों 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 भाई परसों। ठीक है ठीक है, ओके ओके शांति रखिए, तो मैं परसों का बोल दूं, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नो प्रॉब्लम। हां तो फाइनल। और फाइनली उनको बोल दे फाइनल है। हां तू बोलो, फोन कट ना जाए, जल्दी से बोल दे उनको। हां हां तो हमने तय किया है कि हम परसों जाने के लिए तैयार है। बस आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी थी कि हमारे साथ ना 2 लोग एक्स्ट्रा आएंगे। 3 भाई, 2 नहीं 3। बापूजी भी आ रहे हैं ना? मैं भी आ रहा हूँ। ओहो हाँ हाँ, बापूजी भी आएंगे, मतलब 3 लोग होंगे एक्स्ट्रा। आप बता खर्चे। जेठा दे रहा है, मुझे देना है, तू दे दे, मुझे तो डिज्नीलैंड जाना है। हाँ हाँ बिल्कुल। अरे नहीं नहीं उसकी फिक्र आप मत कीजिए, उनका खर्चा तो हम लोग ही, मतलब वो लोग ही करेंगे। हाँ हाँ हाँ, बाकी सारी बातें हम लोग बाद में डिटेल में कर लेंगे ना। ओके थैंक यू तो भाई ये तय रहा कि हम लोग परसों डिज्नीलैंड जा रहे हैं। फटाफट अभी से नाश्ता कर लो। अरे मेरी बात सुनिए, मीटिंग शुरू। अरे पात्रा तो लीजिए, अभी से बहुत बढ़िया है पात्रा। अरे पात्रा नंतर खात्रा जेठालाल, अभी बैठ जाओ भाई, अभी बहुत सारी बातें बाकी है बतानी। बैठो बैठो सब लोग बैठो बैठो बैठो, अभी तैयारी करने की और क्या। अरे भाई भाई बता, जब तक मैच अभी खत्म हो जाएगा, बैठ जाओ बैठ जाओ, अभी मेरा खत्म नहीं हुआ है भाई। अरे भाई तय तो हो गया ना परसों जाना, अभी मीटिंग में और क्या बात करनी है। देखिए अभी हम लोग को परसों जाना है तो बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ेगी। सबसे पहले आप एक पेन और पेपर ले लीजिए, सबसे पहले हम लोग एक लिस्ट बनाएंगे और उस लिस्ट में हम लोग कौन सी चीजें लेके जाने वाले हैं उसकी एक लिस्ट बनाएंगे, मतलब किसके पास कितना लगेज है उसकी एक लिस्ट, फिर कौन कौन सा नाश्ता कैरी कर रहा है उसकी एक लिस्ट।
बबीता जी आप कोई नाश्ता मत लेना, दया सबके लिए नाश्ता ले लेना। खाखरा थेपला जेठालाल। हाँ अरे मेरा अभी खत्म नहीं हुआ है, तुम कहाँ शुरू हो गए भाई, आप ध्यान दो। अरे भाई तक खत्म कर अपनी मास्टरगिरी, क्या लगा रखा है, एक लिस्ट बनाएंगे, लिस्ट का लिस्ट बनाएंगे। क्या बच्चों का स्कूल का पिकनिक लेकर जा रहा है ग्रुप लीडर? अरे हांगकांग जा रहा है, सब बड़े बड़े है, सब समझदार है भाई। कल का तो तू बोलेगा सब हांगकांग एक ही यूनिफॉर्म पहन के जाएंगे। गले में वाटर बैग लटका के जाएंगे। और मास्टर जी तो कहेंगे और साथ में कॉपी पेंसिल भी ले लो, और जहाँ जहाँ घूमने गए हो वहाँ पे सब बच्चों नोट करके रखना, क्योंकि आके मैं टेस्ट लूंगा। छोड़ छोड़ भाई, ये तेरी मास्टर गिरी छोड़ भाई अभी। ठीक है जेठालाल, मैं मास्टर गिरी छोड़ देता हूँ और साथ में ये जिम्मेदारी भी छोड़ देता हूँ। हाँ ये ग्रुप लीडर की जिम्मेदारी लेना मैं अभी छोड़ रहा हूँ। आहो काय बोलता है? नहीं बरोबर है माधवी, एक तो सबकी जिम्मेदारी लो, सबके बारे में सोचो, इतनी तैयारियां करो और फिर सबके सामने खुद मजाक बन जाओ। भीड़ भाई आप बुरा मत मानिए, टोपू के पापा तो मजाक कर रहे थे। हाँ लेकिन दया भाभी मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई, ये तो तय है कि इस टूर की जिम्मेदारी मैं नहीं लूंगा। अरे भिड़े मास्टर ऐसा मत बोलो भाई, परसों जाना है, बहुत सारे काम है, तुम्हें इन सब कामों की आदत है, कर लो कर लो। भिड़े भाई आप नहीं करेंगे तो ये जिम्मेदारी कौन लेगा? जेठालाल। मैं भाई अब तो तय है कि जेठालाल अगर जिम्मेदारी लेगा तो ही मैं डिज्नीलैंड आऊंगा, वरना मैं नहीं आऊंगा। अरे हला का अर्थ है? और पिड़ू और छोड़ देना यार। हाँ तो छोड़ दी ना भाई, जिम्मेदारी छोड़ दी मैंने, जेठालाल को बहुत मजाक सूझ रहा है ना, तो अभी करने दो उसको, लेने दो जिम्मेदारी, देखते हैं ले पाता है कि नहीं। क्यों जेठालाल है हिम्मत बोलो। ओ भाई चैलेंज मत दे, हाँ मैं कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ ऐसा नहीं है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मैंने तो भाई जेठे आप, अरे ग्रुप लीडर बनना बड़ी जिम्मेदारी का काम है। हाँ तो उसमें क्या है? अरे तू ठहरा लहरी लाला, तुझसे ये नहीं होगा, तू रहने दे भाई, तू रहने दे, भिड़े को ही करने दे, भिड़े ये जिम्मेदारी तू ही ले ले। नहीं नहीं बापूजी मैं करूंगा ना। अरे ऐसा थोड़ी है बापूजी, जो काम भिड़े कर सकते और कोई कर ही नहीं सकता, मैं करूंगा बापूजी मैं करूंगा। हाँ तो कर लो। हाँ ठीक है मैं करता हूँ। हाँ तो भाई ठीक है, ये तेरा के डिज्नीलैंड के टूर के ग्रुप लीडर होंगे जेठालाल चंपकलाल गड़ा, आप प्लीज यहाँ पे आ जाइए। क्यों वहां आने की क्या जरूरत है भाई, यहाँ से बोलूंगा तो भी सबको सुनाई देगा। हाँ तो ठीक है फिर बताइए अभी आगे क्या क्या और कैसे कैसे करना है। सबसे पहले ये मीटिंग इधर ही खत्म होती है, आगे की जानकारी आप सबको फोन से या पर्सनली बताई जाएगी। ठीक है अभी टाइम बहुत कम है अपने पास, तो परसों निकलना है, फटाफट तैयारी शुरू करते हैं, पैकिंग वैकिंग चालू करो, जिसको जो तैयारी करनी है अपने अपने घर पे चालू कर सकते हैं। ओ अरे लेकिन उसके पहले नाश्ता तो कीजिए, कोई खा नहीं रहा है भाई, पात्रा खाइए खास पात्रा। नहीं अभी तो ऑफिस में ही हूँ। कैसे सवाल करती हो भाई? कैसा रहा दिन? दिन वैसे ही थकाने वाला, लेकिन तुमने जो खबर सुनाई उससे मजा आ गया। क्या लकी अपनी टप्पू से ना, डिज्नीलैंड हांगकांग को भी फ्री में। हाँ डिज्नीलैंड ट्रिप पर, वो भी पूरी फैमिली के साथ। हाँ मैं तो इंतजार कर रहा हूँ कि जेठालाल का चेहरा देखो, वो तो खुशी के मारे और भी फूल गया होगा, फूल का कुप्पा हो गया होगा। अच्छा तो चलो जेठा भाई के वहाँ, वो सारे डिज्नीलैंड जाने की मीटिंग ही कर रहे, चलो चलो। अरे एक मिनट बहुत भूख लगी अंजलि, पहले कुछ खिला दो फिर चलेंगे। हे भगवान तारक, बातों बातों में मैं भूल ही गई, मैंने आज आपके लिए शकरकंद का सूप और सिंघाड़े का सैलेड बनाया है। सिंघाड़े का सैलेड और शकरकंद का सूप? हाँ सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। चलो अंजलि वहाँ सब बैठे है ना, वो निकल जाएंगे, लेट हो रहा है, चलो चलो। नहीं तारक आपको भूख लगी है ना, तो पहले शकरकंद का सूप पी लीजिए, चलिए। मर गए। हाँ
नहीं नहीं, अरे सारे लोग बैठे हैं अंजलि, डिज्नीलैंड जाने की खुशी है, सबको बधाई देते ना, चलो निकल जाएंगे सब लोग, चलो चलो। अरे अंजलि, अरे आओ ना। पापा सब ठीक हो जाएगा, अभी देखिए हमारी शादी के वक्त आप मुझसे कितना डर गए थे, लेकिन अभी मुझसे कितना प्यार करते हैं, क्योंकि संसार है ना हमारा, माता जी पे विश्वास रखिए, सब ठीक हो जाएगा। अरे भाई तू शादी की कौन सी, अरे बधाई हो भाई जेठालाल, बहुत बहुत बधाई हो भाई, हांगकांग प्रवासी, हाँ डिज्नीलैंड, क्या बात है। क्या जेठालाल, डिज्नीलैंड हांगकांग जाने का प्रोग्राम कैंसिल हो गया क्या? नहीं नहीं, कुछ कैंसिल कुछ नहीं हुआ है। तो फिर ऐसे मुंह लटका के क्यों बैठे हुए भाई? अरे क्या बताऊं मैं तो साहब, अभी यहाँ घर में वो हांगकांग डिज्नीलैंड को लेके मीटिंग थी, तो भिड़ा का मैंने थोड़ा मजाक उड़ाया तो उसको बुरा लग गया, तभी ग्रुप लीडर की जिम्मेदारी उसने मेरे सर पे थोप दी। ये तो गंभीर समस्या है जेठालाल। हाँ समस्या तो गंभीर है, और उसका हल अभी एक ही है, आप और अंजलि बाबी भी चलिए हमारे साथ हांगकांग डिज्नीलैंड। अरे हम कैसे इस तरह से, वैसे हांगकांग जाने का प्रोग्राम कब का है? 6 परसों। भाभी आप तो परसों बरसों की तरह बोल रही है, परसों तो सामने आ गया। नहीं 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 जेठालाल, बिल्कुल पॉसिबल नहीं, परसों तो बिल्कुल सामने आ गया, और इतनी जल्दी तो बॉस बिल्कुल छोड़ने वाले ही नहीं है, मुझे किसी भी हालत में छुट्टी नहीं मिलेगी, क्योंकि हांगकांग जाएंगे तो जाके वापस लौटने में 5-7 दिन तो लग ही जाएंगे, और इतनी छुट्टी पॉसिबल ही नहीं है। तारक छुट्टी मिल भी गई तो भी नहीं जा पाएंगे। क्यों? क्यों, मेरी चाची की बेटी की सगाई है, हमारा जाना तो कितना जरूरी है। हाँ 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 सी जेठालाल, चल ही नहीं सकते। अरे ऐसा क्या कर रहे हैं, मैं सब चलिए ना, सगाई है ना, शादी थोड़ी है, चलिए। दया भाभी, दया भाभी घर में ही प्रसंग है, कैसे आ पाएंगे? जेठालाल यहाँ रह के अगर मैं तुम्हारी कोई भी मदद कर सकूँ तो उसके लिए बिल्कुल तैयार हूँ, बताओ क्या काम है, लेकिन चल नहीं पाऊंगा। और दया भाभी आप नाश्ता बनाने की तकलीफ मत लीजिएगा, वो सारा इंतजाम मैं कर दूंगी। ठीक है, थैंक यू। अरे हाँ नाश्ते से याद आया, मैंने खमा खांडवी और पत्र बनाया है तो ले आओ। अरे लाइए लाइए ना दया भाभी, लेके आइए ना। अरे वाह, क्या अरे वाह तारक। अरे अंजलि दया भाभी इतना रिक्वेस्ट कर रही है, इतना प्यार से कह रही है, तो खाना तो पड़ेगा, सुपर सलाद भी खा लेंगे। अच्छा यहाँ ये खाएंगे और घर पे जाके कहेंगे कि अब मेरा पेट भर गया है, ऐसा नहीं चलेगा तारक, सूप और सैलेड दोनों खाना पड़ेगा। ठीक है, बोला ना खा लूंगा अंजलि, खा लूंगा। ये लीजिए नाश्ता। हाँ लाइए 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 दया भाभी। दया भाभी इतना सारा क्यों लेके आई आप? अरे आप दोनों के लिए है। दया भाभी चटनी नजर नहीं आ रही। हाँ, चटनी। माधवी मैंने जो कुछ भी किया बिल्कुल सही किया। क्या सही किया, क्या जरूरत थी सारी जिम्मेदारी जेठा भाई पर डालने की? तो उसे मेरा मजाक क्यों उड़ाया, अभी उसे भुगतने दो। आप ना बच्चों की तरह जिद करते हैं कभी कभी। नहीं 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 मैं जिद नहीं कर रहा हूँ, ग्रुप की जिम्मेदारी क्या होती है मैं जेठालाल को बताना चाहता हूँ। क्या, क्या क्या बोला था उसने, ये स्कूल के बच्चों की पिकनिक नहीं है? अरे स्कूल के बच्चों की पिकनिक लेके जाना कितना मुश्किल का काम होता है उसे क्या मालूम? जैसे LCD प्लाज्मा TV बेचना, उसकी ऑर्डर लेना आपका काम नहीं है ना, वैसे पिकनिक में लेके जाना, लीडरशिप करना उनका काम नहीं है? नहीं है ना? नहीं है। तो जिसका काम उसे करने देना चाहिए ना, कि उसका मजाक उड़ाना चाहिए? मजाक, ओ उनका स्वभाव है मजाक करने का, मजाक मजाक होता है। लेकिन ग्रुप लीडर बनना कोई मजाक नहीं होता है माधवी, अब देखना तुम, अपने कंधे पर सबकी जिम्मेदारी का पहाड़ लेकर जब एक घर से दूसरे घर पे भागना पड़ेगा ना, तब जेठाल को पता चलेगा कि ग्रुप लीडर बनना कितना मुश्किल का काम होता है। दोस्तों एक गडरिया सैकड़ों भेड़ों को भी एक साथ ले जा सकता है, लेकिन यही काम करने के लिए आपसे कहा जाए, मुझसे कहा जाए, किसी भी आम आदमी से कहा जाए, तो शायद एक दो भेड़े खोने का खतरा तो बना रहेगा। यही खतरा इस वक्त मंडरा रहा है गोकुलधाम सोसाइटी के उन सदस्यों पर जो डिज्नीलैंड हांगकांग जा रहे हैं, क्योंकि इनके ग्रुप लीडर बने हैं जेठालाल। जी हाँ, जो काम अब तक भेड़े करते रहे वो काम मेरे परम मित्र जेठालाल करेंगे, और चूंकि मेरे परम मित्र हैं इसलिए मैं जानता हूँ कि वो थोड़े से भुलक्कड़ और लापरवाह किस्म के व्यक्ति जरूर हैं। अब दोस्तों उस ग्रुप का क्या हाल होगा जिसके ग्रुप लीडर जेठालाल होंगे, और खुद जेठालाल का क्या हाल होगा, भाई इस ग्रुप का कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होना अवश्यम भावी है, लेकिन क्या हाल होगा ये तो हम तय करेंगे बाद में जब देखेंगे मिलके तारक मेहता का उल्टा चश्मा। इतना जरूर तय है कि आप लोगों का हंस हंस के बुरा हाल होगा। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा, और सोचिए क्या होगा उस ग्रुप का जिसके लीडर जेठालाल है। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.